गाइज, आज तक आपने ना जाने अपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे की कितने ही एपिसोड्स को देख चुके हो, मगर क्या आपको ये पता है कि आपके फेवरेट कार्टून एंड एनिमे की फर्स्ट एवर एनिमेटेड एपिसोड कौन सी थी और कब और कैसे उसे लॉन्च किया गया था? अगर नहीं तो ये कार्टून स्पेशल वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, जिसमें आज मैं आपको आपके फेवरेट कुछ कार्टून एंड एनिमे के फर्स्ट एवर एनिमेटेड एपिसोड को दिखाने वाला हूँ। सो तैयार हो जाओ कुछ ऐसा रिएक्शन देने के लिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। पर मैन गाइस, चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट एक ऐसे एनिमे के फर्स्ट एपिसोड से करते हैं जिसने हमें बचपन से ही हेलमेट की इम्पोर्टेंस समझा दी और जिसकी वजह से बचपन में हम अपनी मम्मी की बाल्टियों को गायब कर देते थे। अब भाई, बचपन में हम बाल्टियों के अलावा किसको हेलमेट बनाते हैं? सब हट जाओ, पर मैन आ गया। वैसे गाइस, कुछ भी कहो बट इस एनिमे के साथ बहुत ही ऐसी यादें जुड़ी हैं जिन्हें वो कभी भुला ही नहीं पाएंगे। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सभी यादों की शुरुआत कैसे हुई थी और कब और कैसे परमैन का फर्स्ट एवर एनिमेटेड स्टोरी को बनाया गया था? तो ये सभी की शुरुआत होती है ईयर 1967 में, जब फुजिको फुजियो ने पहली बार परमैन की मांगा को बनाया था और उसी साल 2 अप्रैल 1967 में उसके एनिमे को भी बनाया गया था। बट उसमें उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होने की वजह से उसको रोक दिया गया और अब उसके बहुत सारे एपिसोड्स भी लॉस्ट हो चुके हैं। बस बचे हैं तो कुछ ऑडियो क्लिप्स। बट गाइज, हमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1980s के समय में जब परमैन की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हो गई तो सिन आई एनिमेशन ने 4 अप्रैल 1983 में इसके फर्स्ट एवर एनिमेटेड एपिसोड को फिर से बनाया, जिसका नाम था बर्डमैन हैज अराइव्ड, और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एज यूजुअल मित्सुओ का दिन बहुत ही बेकार जा रहा होता है, जिससे परेशान होकर वो मायूसी से एक पार्क में बैठा रहता है। तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है बर्डमैन की, जो कि सोकर उठ ही रहा होता है। बर्डमैन मित्सुओ से मिलने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को कुछ ऐसे चेक करता है और अचानक ही उसे परमैन का गेटअप दे देता है और उसे इस अर्थ का फर्स्ट परमैन बना देता है। बट मित्सुओ को यह सब बस एक मजाक लग रहा होता है, जिसके बाद मित्सुओ को भी ये यकीन हो जाता है कि अब उसके पास सच में एक सुपर हीरो वाली पावर है। हॉरिड हेनरी, देखो गाइस, हमारे चाइल्डहुड में कुछ ऐसे भी कार्टून्स थी ना जिसके करतूतों को जब हम असल जिंदगी में दोहराते थे तो फलस्वरूप सीधे हमें यही मिलता था। हाँ, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कार्टून कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और अगर आप समझ गए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये तो जरूर पता होगा कि उस कार्टून कैटेगरी में टॉप लिस्ट पर कौन होगा। द हॉरिड हेनरी। अब फ्रेंड्स, अगर मैं उसके करतूतों की लिस्ट बनाने बैठूँ ना तो पता नहीं ये लिस्ट कितनी लंबी बनेगी। बट हाँ, उन करतूतों की लिस्ट में से सबसे पहला करतूत यानी कि हॉरिड हेनरी का फर्स्ट एपिसोड मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। तो हेनरी के फर्स्ट एपिसोड का नाम है ट्रिक्स एंड ट्रीट, जिसको 31 अक्टूबर 2006 में टेलीविजन पर पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था, और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पीटर का पोपट करने के बाद हेनरी को हेलोवीन पार्टी में नहीं जाने दिया जाता है, जिसके बाद हेनरी एक ऑसम प्लान बनाता है और जिसमें वो अपनी जगह पपेट को बैठाकर खुद डार्क एवेंजर यानी कि कल्लू कालिया बनकर सबको डराता है, जिसके रिजल्ट के रूप में उसको ढेर सारी कैंडीज मिलती है। और भाई लोग, इस प्लान को हेनरी इतनी अच्छी से एग्जीक्यूट करता है कि लास्ट में चेकिंग के बाद भी उसके मॉम डैड उसके इस करतूत का कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं। डोरेमोन। अब गाइस फाइनली, चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस एनिमे की जिसके बिना बचपन में हमारा हाल। गाइस पता नहीं आज तक इस एनिमे ने कितने ही बच्चों को अपने अद्भुत गैजेट से इंटरटेन किया है। फ्रेंड्स, आप लोग यकीन करो या ना करो, बट जिस हिसाब से इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड को लॉन्च किया गया था उस हिसाब से पता नहीं शायद आज आपके पापा भी इसके फैन होंगे। क्योंकि गाइस, आप मानो या ना मानो बट इस लेजेंड एनिमे का फर्स्ट एपिसोड 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था, जिसमें हमें डोरेमोन और नोबिता का फर्स्ट मीटअप को दिखाया गया था। अब इस एपिसोड में होता यूं है कि हर बार की तरह नोबिता पिट पिटाकर मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठा रहता है, तभी अचानक उसके टेबल से टाइम मशीन के हेल्प से एक फ्यूचर का बच्चा आता है जो कि उसी का पोता शिवासी नोबी होता है। शिवासी नोबिता को बताता है कि कैसे वो और उसकी फ्यूचर फैमिली को नोबिता के लेजीनेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसे के सॉल्यूशन के रूप में वो डोरेमोन को नोबिता को गिफ्ट कर देता है ताकि नोबिता उसकी हेल्प लेकर एक एक्टिव, स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सन बन सके। तो गाइस, बस यहीं से होती है डोरेमोन एंड नोबिता की फ्रेंडशिप की शुरुआत।
सिंचैन, देखो यारो, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आपका बचपन इंटरटेनिंग था या फिर अभी है तो उसमें कहीं ना कहीं सिंचैन का बहुत बड़ा रोल है। और मेरे ख्याल से ये पूरी ही दुनिया का ऐसा इकलौता बच्चा है जिसके सामने बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। पर गाइस, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि टेलीविजन पर सबसे पहली बार सिंचैन को कैसे और कब दिखाया गया था? तो इसको जानने के लिए हमें पहुंचना होगा 13 अप्रैल 1992 को, जब सिंचैन के फर्स्ट एनिमे एपिसोड को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस एपिसोड में हमें 3 सेगमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले सेगमेंट में हमें दिखाया जाता है कि सिंचैन की मॉम सिंचैन को फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने मार्केट भेजती हैं, बट एज यूजुअल सिंचैन मार्केटिंग से ज्यादा अपनी मॉम के लिए लफड़े क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से लास्टली उसकी मॉम को ही शॉपिंग करने जाना पड़ता है ताकि वो हैरी के क्लाइंट को डिनर करा सके। अब इन सभी काम को करते करते मसाई बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और एट लास्टली हमें ये पता चलता है कि सिंचैन के घर में जो क्लाइंट आने वाला था वो अब नहीं आएगा। दूसरे सेगमेंट में हमें दिखाया जाता है कि आम बच्चों की ही तरह सिंचैन भी खूब लेट उठता है, जिसके वजह से उसका स्कूल बस मिस हो जाता है। तो इसी को ट्रैक पर लाने के लिए एक दिन मसाई सिंचैन को पहले ही उठा देती है और जैसे तैसे करके भी उसको टाइम पर रेडी कर देती है। बट जैसे ही स्कूल बस आता है सिंचैन को लगता है टॉयलेट, जिसके वजह से फिर से मसाई का पोपट हो जाता है। तीसरा सेगमेंट स्कूल का है, जब सिंचैन एंड हिज गैंग्स स्कूल में ड्राइंग बनाना सीख रही होती है, जहां सिंचैन दूसरों के ड्राइंग में फॉल्ट निकालते रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसने भी बेकार ही पेंटिंग बनाई होती है। हाँ, तो इतना होने के बाद लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि सभी बच्चों के साथ योशिनागा मैम सिंचैन को भी प्लेन बनाना सिखाती हैं। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।